तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं वीवी की प्रॉब्लम पे। तो वीवी माइक्रो की मदद से मुझे क्या करने हैं, मुझे करने हैं कि 12 फाइलें बनानी है। जैसे यहाँ पे 12 फाइलें बनी है, ऐसे 12 फाइलें बनानी है। हर फाइल के अंदर हमें क्या करना है, उसका नाम तो पहले मंथ की तरह जैन टू दिसंबर रखना है, और हर फाइल के अंदर मुझे उसके नंबर उतने ही नंबर ऑफ शीट्स ऐड करने, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। दिख रहा है सर, उतने शीट से ऐड करना। अब यही पे एक प्रॉब्लम आए, कैसे करें कोडिंग, चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पे। उससे पहले फोल्डर में जो पहले से बना है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रो अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा वर्क बुक्स डॉट एड डॉट सेव, क्योंकि कितना सेव कर देना है, कहाँ सेव करना है, तो डी ड्राइव के, ई ड्राइव होगा ना, ई ड्राइव के अंदर 2023 के अंदर किस नाम से, तो जैन डॉट xlsx। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसकी को 12 बार नहीं लिखना है। क्यों, अभी 12 है तो डेट पे 365 होगा, तो हम ऑटोमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे लूप का इस्तेमाल। और लूप क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे मैसेज बॉक्स मैसेज देना है, MSG बॉक्स में हाई लिखना है, क्या लिखना है, हाई, और इस हाई को मुझे 3 बार रन करना है। तो मैं इस कोड को 3 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा, जब इसको रन करूंगा तो मुझे हाई का मैसेज 3 बार आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे 30 बार लाना हो, 30 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि इसको हम लूप में डाल, फोर लूप में, कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3, 1 2 3, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने दिया नेक्स्ट आई। अब फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइन का कोड होगा वो कितना बार रन होगा, 3 बार रन होगा। और आई क्या है, आई एक काउंटर है, एक काउंट करता है कि हमारा फोर कितना बार चल चुका है, एक तरह से एक वेरिएबल है। तो इसको यहां हम कॉल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं सिक्वेंस नंबर की तरह, ठीक है। हमें हमने ऐड कर दिया, यहां देखिए हाई वन हाई टू हाई थ्री, समझ में आया लूप आप लोगों को, किसी को कंफ्यूजन है लूप में। और यहां पे आपको जितना बार रन करना है उसका नंबर दीजिए, यहां से यहां तक चले, और सिक्वेंसली 1 2 3 4 5 इस पे स्टोर करके वो आगे रन करता जाएगा, और नेक्स्ट चेक करेगा कि आई पे, आई पे स्टोर की गई वैल्यू इसके मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं है, जैसे ज्यादा है वो लूप को खत्म कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं एफ करके रन करता हूँ, पता चलेगा आपको, इफेक्ट किया। अब आई पे देख रहे हैं 1 है, तो हाई और 1 आपस में मर्ज होके क्या दिख गया, हाई 1, और नेक्स्ट ने चेक किया तो इसके ऊपर 1 है, तो इसे एक और ऐड किया और आगे भेज दिया, फिर सेम प्रोसीजर को फॉलो किया, सेम प्रोसीजर यहाँ पे ओके करते हैं, फिर यहाँ पे नेक्स्ट ने चेक किया कि 2 है जो कि 3 से कम है, आगे भेज दिया, फिर नेक्स्ट ने चेक किया कि ये 3 है तो इसने बाहर निकाल, बाहर 3 के बाद जैसे 4 हुआ ये बाहर निकाल दिया, ठीक है सर। उसके लिए आपको जो है ना यहाँ पे ऐड करना होगा वीवीए न्यू लाइन, फिर ऐड करना होगा, ठीक है, वीवीए न्यू लाइन से नीचे आ जाए, और नीचे यहाँ देखिए नीचे आएगा सर, इसके बाद वीवी टैब लिखते हैं तो टैब स्पेस आएगा, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे बैक टू प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे आता हूं और लिखता हूं कि 4 i = चले 1 2 12, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी ये प्रोजेक्ट पूरा काम नहीं करेगा, इस कोड को 12 बार तो रन करेगा,
लेकिन हर बार जैन का ही फाइल बनाएगा ना सर, तो पहला बार तो चल जाएगा, दूसरे बार में हो जाएगी यार। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हम कुछ, हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक छोटा सा प्रयोग करना है यहाँ पे, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 आई पे है ही, तो क्यों ना इसको हम यहाँ पे कॉन्केट कर दें क्या? जैसे मैंने यहाँ कॉन्केट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आई को आई 1 देगा, 1 2 3 4 5 देगा, बट मुझे तो जैन फाइव मार्च अप्रैल मई जून जुलाई चाहिए ना सर। 1 2 3 4 किससे नहीं बनाना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मंथ नेम का, इसको एक्सेस में भी यूज किया होगा आपने, यहाँ पे कॉमा ट्रू कर दिया। अब क्या होगा कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 1 2 3 को कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पे मैं एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज कर दे, क्लोज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको एक एक करके रन करके दिखाता हूं कि क्या चल हो रहा है। रन हुआ, अब आई के ऊपर क्या हुआ, 1 हुआ, तो मंथ नेम को 1 मिला, मंथ नेम ने दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, जैन दे दिया। देखिए यहाँ पे जैन नाम का फाइल आपका बन गया। तो आई 1 दिया, मंथ नेम ने इस आई को जैन में कन्वर्ट कर दिया, तो मंथ नेम और आई अपना नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, और ट्रू मतलब शॉर्ट फॉर्म और फॉल्स मतलब लॉन्ग फॉर्म। पूरा जनवरी लिखा हुआ चाहिए तो ट्रू की जगह पे आप क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। ठीक है, और यहां से फाइल क्लोज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाइल क्लोज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या करेगा, आगे ऊपर बोलेगा, फिर चलाओ, इस बार आई का मान क्या हो गया, 2 हो गया, मंथ नेम को क्या मिला, 2 मिला, मंथ नेम क्या दे दिया, फैब दे दिया। देखिए यहां पे फैब नाम का फाइल बन गया और इसमें फाइल को क्लोज कर। अब इसी को मैं एक बार रन कर दूं तो विद इन सेकेंड में 12 फाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है सर, ये कोड समझ में आया आपको, किसी को डाउट इस पे? प्रेरणा जी, मनोज जी, मंजया जी, कोई डाउट इसमें? हाँ ठीक है, चलिए अब बात आती है कि अब यहां पे प्रॉब्लम आती है कि मैं मुझे उतने ही सीट ऐड करने हैं जितने उस महीने में दिन है, तो जितने दिन है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए आई क्या दे रहा है मुझे, आई 1 दे रहा है, दे रहा है ना 1 सर। हमारे एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है डेट का, अगर मैं यहाँ पे 2023 कॉमा इस 1 को ले लिया और डे 1 कर दिया, तो क्या होगा कि आई जैसे 2 होगा तो दूसरा महीना 3 होगा, तीसरा महीना 4 होगा, चौथा महीना देगा सर। फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, क्या होता है ईओ मंथ, ईओ मंथ में कॉमा 0 दे दूंगा तो क्या देगा, ये नंबर दे रहा है बट कंट्रोल शिफ्ट हैश कीजिएगा तो डेट है, तो जैसे मैं 1 दूंगा तो इसका स्टार्ट डेट बन के आ गया, उस स्टार्ट डेट को लेके इसने एंड डेट दे दिया। और यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डे का, तो वो क्या करता है उसमें से डे निकालता है, तो आई 1 देगा तो मुझे पता चल जाएगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ दिन है, और आई 2 देगा देखिए 3 देगा 4 देगा, तो मुझे इतने ही सीट चाहिए जितना ये डे फॉर्मूले से निकल के आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि कैसे इसको एक बीवी में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो डेट फॉर्मूला तो वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें पहले बता रखा है डेट सिस्टम डेट देता है, तो यहां पे एक डेट सीरियल होता है, डेट सीरियल, और डेट सीरियल के अंदर में हम यहाँ पे 2023 कॉमा आई कॉमा 1 दे, तो ये 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी का डेट आएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने प्रोजेक्ट तो दे दिया मुझे, ना लूप आता था, ना मुझे मंथ नेम आता था, ना डेट से भी आपने पढ़ाया, तो कैसे बनाता था?
बात सही है, मैंने प्रोजेक्ट जानबूझ के दिया था। रीजन ये है कि आप कुछ रिसर्च करें। अब आपके ऑफिस में क्या लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम आने से पहले आपसे पूछेगा कि भैया ये चीज आता है, तो ये चीज आता है, आपको ये चीज आता है, नहीं पूछेगा ना सर? तो आप क्या करेंगे, आप उसको गूगल पे और बाकी जगहों पे रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके कोड को समझ के उस कोड को अपने उस कोड का, क्योंकि एग्जैक्ट आपकी प्रॉब्लम तो नहीं मिलेगी, बट हाँ आपके प्रॉब्लम से मिलता जुलता प्रॉब्लम मिलेगा, तो उसकी जो कोड है आप अपने कोड में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। और ये बहुत जरूरी भी है, इसलिए आपको इस तरह के प्रोजेक्ट में देता हूं ताकि आप कुछ थोड़ा सा दिमाग को ऊपर नीचे आगे पीछे करें, समझे? अब यहां पे डेट सीरियल पे डेट आ गया, अब मुझे चाहिए इसमें से लास्ट डेट। तो प्रॉब्लम ये है कि अब यहां एक चीज नई चीज सीखिए सर, तो आगे काम आएगा। ईओ मंथ फॉर्मूला सपोर्ट नहीं कर रहा है वीबीए, तो कुछ एक्सेल फॉर्मूले वीबीए को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं कौन सा, डायरेक्ट सपोर्ट करता है डे। जैसे मिल रहा है नीचे एक्सप्रेशन आ गया, या लेन फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट कर रहा है नीचे उसका, जैसे लगाते हैं उसके नीचे एक्सप्रेशन आ जाए। लेकिन जो सपोर्ट नहीं करते हैं और उसके नहीं आए, जो सपोर्ट नहीं करते हैं उसको लगाने का तरीका है कि आप उसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी से उसको कॉल करें। अब यहां पे मैं करता हूँ ईको मंथ, एक्सेल के फॉर्मूले भी लुकअप, सम भी, सारे फॉर्मूले आप इस तरीके से लगा सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। अब यहां पे मैंने डी दे दिया डेट, और यहां दे दिया जीरो, फिर आ गया लास्ट डेट। फिर डी इक्वल टू हम देते हैं डे, डे के अंदर में डी, बोले सब सब जगह डी ही ले लिया। अब आपको कंफ्यूजन होता है तो आप डी के जगह पे ए बी सी डी ले लीजिए, अलग अलग ले लीजिए, लेकिन एक ही, क्योंकि बीवीए में क्या होता है कि सबसे पहले जान लीजिए कि एक एक लाइन चलता है, पहले एक लाइन चलेगा फिर चलेगा, तीनों इकट्ठा नहीं चलेगा। दूसरा कि पहले चलता है आपका राइट साइड, फिर राइट साइड के डेटा को लेफ्ट साइड में अपडेट करता है, तो ये अगर यहाँ पे चला तो पहले इसको चलेगा, यहाँ चलेगा, तो यहाँ तक जो डी होगा हमारा डेट ही होगा ना, स्टार्ट डेट, उसके बाद इस पे और इसको रिप्लेस, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा स्टार्ट डेट टू एंड डेट। तो हम अलग अलग वेरिएबल ना लेके एक ही वेरिएबल से काम चला रहे हैं। अब फाइनली जो डी पे वैल्यू स्टोर हुआ उतने ही सीट हमें ऐड करना, तो सीट ऐड करने का कोड होता है सीट्स डॉट ऐड। अब स्पेस दीजिएगा तो बिफोर आफ्टर इसमें काउंट आएगा, और एक बार हम कई सारे सीट ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने 10 कर दिया तो 10 सीट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डी कर देते हैं क्योंकि डी के ऊपर जो वैल्यू स्टोर होगी उतनी सीट ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि मुझे एग्जैक्ट उतने ही सीट चाहिए जितने डेज है, लेकिन जब भी हम सी फाइल ऐड करते हैं कुछ ना कुछ सीट तो पहले से होती है ना सर, क्या? तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे सीट डॉट काउंट, जो कि आपको पता है अब उतने ही सीट ऐड। अब जो सीट, अब सारे सीट ऐड हो गए, 31 सीट ऐड हो गए, जो सीट ऐड हुए हैं उस सारे को मुझे नेम करना है, रिनेम करना है। इसके लूप लगा लेते हैं, लिखते हैं फोर जे इक्वल टू चले 1 to D, जितने नंबर सीट है उतने बार हमारा लूप चलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है चलो जे क्यों लिया, देखिए हम आई ऊपर ले चुके हैं ना, तो आई की जगह पे ए बी सी डी एक्स वाई जेड अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन एक लूप में एक यूज कीजिएगा, उसको फिर इसमें यूज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4J लिखा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सीट, अब यहाँ पे सीट 1 डॉट नेम इक्वल टू हम दे देंगे 1 जैन 2023, फिर सीट्स 2 जैन, तो 1 2 3 की तो ये हमारा जे दे रहा है, तो हम यहाँ पे जे ले लेते हैं, और नेम जैन फैम मार्च का नेम तो अलग होना चाहिए ना, डेट भी अलग होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम डेट सीरियल लेते हैं। डेट सीरियल, डेट सीरियल के अंदर में हम डालते हैं हमारा 2023 आई मंथ और जे डेट। देखिए प्रॉब्लम ये है कि डेट सीरियल जो डेट बनाएगा उसमें स्लैश होगा,
और फाइल नेम सीट नेम स्लैश को सपोर्ट नहीं करता है। तो लास्ट टाइम जो ने बताया था फॉर्मेट फॉर्मूला वो यहाँ अप्लाई कर लेंगे, डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई। ठीक है, आप देखिए एक कैसे वर्क कर रहा है। चलिए एक बार इसको एफेक्ट करके वन बाय वन प्रोसीजर को समझते हैं। एफेक्ट हुआ, आई पे वन हुआ, इसे जैन नाम का सीट बनाया। अब यहाँ पे वन मिला और एक और 2023, इसने 1 जैन 2023 का डेट बनाया। ईओ मंथ ने लास्ट डेट दे दिया और फिर डी ने उसमें से कितना निकाल दिया 31। तो फाइनली डी कितना हो गया 31। 31 माइनस 3 कितना बचेगा, उतने सीट इंसर्ट कर देगा। अब फोर लूप चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है आपका जे कितना है, रन होते ही जे हो गया 1। तो पहले सीट को जाएगा, डेट सीट क्या देगा, डेट देगा 1 जैन 2023, उसको डी डी एम एम वाई वाई में कन्वर्ट करके फॉर्मेट रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस नाम का सीट बन जाए। आप देखिए यहां बन गया। अब ये सेम प्रोसीजर डी टाइम दे करेगा, डी पे कितना मान है 31, तो 31 बार करेगा। देखिए यहां पे डी जे 2 3। अब यहां पे आई 1 ही है क्योंकि अभी आई एक ही बार चल रहा है, क्योंकि आई के अंदर में ही आपका 4J है। तो ये 4 31 बार, हर फाइल में 4 31 बार चलेगा। देखिए आप 14 15 16 और इस तरह से डेट बनाता जाएगा और डालता जाएगा। अब दूसरा फाइल आ गया, देखिए दूसरा फाइल आ गया कौन सा, फाइव मंथ का। अब इसने फाइव का डेट बनाया, डेट बनाया, फिर ईओ मंथ से फाइव का डेट लास्ट डेट लिया और फिर डेन 28 दिया। तो 28 माइनस 3 उतने सीट ऐड किया है। अब चलिए एक एक करके सारे सीट का नामकरण संस्कार कर रहा है, और जब इसको एक बार रन कर देंगे तो कुछ ही सेकेंड में 12 फाइलों और 365 सीट बना के दे देगा। जो काम घंटों का था उस काम को इसने कुछ सेकंड में करके दे दिया। यहां देख सारे फाइल्स बन रहे हैं, एक सेकंड के, एक से पांच, एक दो चार पांच सेकंड में एक फाइल तैयार हो जा रही है। और हो गया, मैं लगा कि 10 15 सेकंड लगे सर करने में। बताइए आप क्या दिक्कत है, बताइए सर। देखिए तीन सीटें नहीं माइनस कर रहा है, जब भी आप फाइल ऐड करते हो तो डिफॉल्ट आपके सीट जो सीट ऐड होते हैं कोई कहीं एक होता है कहीं पे तीन होता है, वो एप्लीकेशन की सेटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। यहाँ फाइल के अंदर ऑप्शंस में है ना, यहाँ पे ठीक है, तो मेरे यहाँ पे तीन है, लेकिन इसलिए मैंने मैनुअली तीन, हाँ मैनुअली तीन नहीं लिया, हमने बोल दिया कि सीट ऐड करते समय जो सीट की काउंट होगी उतना माइनस करेगा। और कोई क्वेश्चन किसी को, तो इसमें आपको आज दो चीजें करनी है, दो तीन चीजें करनी है। पहले तो पूरी प्रोग्राम को जैसा वैसा राइट करके आपको रन करना है, उसके बाद लूप की प्रैक्टिस करनी है। अब फोर के जगह पे यहाँ कुछ और भी चीजें काम डाल के, जैसे फाइल ऐड करवा लीजिए, सीड ऐड करवा लीजिए, ऐसे छोटे छोटे लूप के पे आपको काम करना है। उसके बाद आपको एक्सेल के कुछ फॉर्मूले को यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, इतना कीजिए, फिर हम कल की क्लास में रेंज के बारे में पढ़ेंगे रेंज, और आज मैं रेंज की वीडियोज भी आपको दूंगा, तो पहले से आप देख के रखिएगा। ठीक है।